नमस्कार, मैं हूं अनुपम अनूप। आप देख रहे हैं द खबरदार न्यूज। विदिशा जिले के सिरोंज थाना अंतर्गत पामाखेड़ी गांव में साहू और शर्मा समाज के बीच जमीनी विवाद को लेकर के काफी हाथापाई हुई और बात यहां तक पहुंच गई कि तलवारें और बंदूकें तान दी गई। जिस हमले में दोनों गुटों के बीच हुए इस विवाद में दोनों गुटों के लगभग 9 लोग घायल हो गए हैं, जिसमें से 4 गंभीर रूप से घायल हैं, जिन्हें भोपाल उपचार के लिए भेजा गया है। आपको बता दें कि जमीन की नाप के दौरान दोनों गुटों में विवाद हुआ, जिसके बाद एक पक्ष की तरफ से बंदूक तान दी गई और इस बंदूक के हमले पर एक व्यक्ति गंभीर रूप से घायल हो गया। वहीं कुल 9 लोगों के घायल होने की खबर आ रही है। आपको बता दें, प्राथमिक उपचार के बाद 4 लोग गंभीर रूप से घायल हुए थे, जिन्हें उपचार के लिए भोपाल भेज दिया गया है। वहीं मौकाए वारदात पर पुलिस ने पहुंचकर मामला दर्ज कर लिया है और अब जांच जारी है। अधिक जानकारी के लिए आइए देखते हैं विदिशा से हमारे रिपोर्टर आशीष सहेले की रिपोर्ट। देखते रहिए द खबरदार न्यूज। आपका वकील लेगी ना स्टेशन के घर के लोग लेना है, बनाना वीडियो देख लो यार, ये भी बनेगी हो सकता है, हाथ पकड़ कर लेना वाटर। हाँ हाँ, क्या घटना घटित हुई है? आज ये कर्राखेड़ी रोड नहर के पास में जमीन के नामांतरण की बात को लेकर दोनों पक्षों का विवाद हो गया है। एक पामाखेड़ी के रहने वाले हैं, पामाखेड़ी का है कपिल शर्मा और उनके साथ में उनके परिवार के लोग हैं। दूसरे हैं शिव कुमार साहू और उनके परिवार के लोग हैं। इन दोनों के बीच में जमीन का नामांतरण की बात को लेकर के विवाद हो गया है, उसमें दोनों के आपस में मारपीट से चोटें आई हैं। इसके अंदर क्या गोली वगैरह भी चली है इसमें? ऐसा कहना है इनका, उसकी तस्दीक की जा रही है। कितने लोग घायल हैं? कपिल शर्मा की तरफ से 5 लोग घायल हैं और ये शिव कुमार शर्मा की तरफ से 4 लोग घायल हैं। रेफर कितनों का किए हैं? 4 लोग रेफर हुए हैं जी। किस तरफ से हुई? गंभीर चोटें होने से उनको रेफर किया है भोपाल के लिए। खबरदार हिंदी न्यूज़ चैनल के साथ जुड़े रहने के लिए द खबरदार हिंदी न्यूज़ चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और अगर आप ये वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो फेसबुक पेज को लाइक करें। धन्यवाद।